स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निधि अभी में। आज बहुत दिनों के बाद मैं चिट चैट वीडियो लेकर के आई हूँ। आई होप सो कि पसंद आएगा आप लोगों को। मॉर्निंग का टाइम है, मैं जस्ट अभी शावर लेकर के आई हूँ एंड अपना स्किन केयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने टोनर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था, नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑफकोर्स होता है सनस्क्रीन। तो वो सारे स्टेप्स को मैं फॉलो करूँगी क्योंकि विंटर्स आ गए हैं। अगर आप अपनी स्किन केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे हर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है स्किन केयर, तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आगे मैं आपके साथ आज बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियोस आज मैं जो भी आप लोगों की होती हैं वो शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक एंड वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगी ना तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाकर के मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर अच्छी अच्छी सी रील्स आती रहती हैं। तो चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अब यहाँ पर मैं पहन रही हूँ इयररिंग क्योंकि और मुझे कोई दिख नहीं रही थी, मैंने सोचा चलो मैं यही पहन लेती हूँ। तो यस, अब काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ एंड ऑलमोस्ट मेरा स्किन केयर कंप्लीट है। ऑलमोस्ट नहीं, अगर मैं स्किन केयर की बात करूँ तो इससे ज़्यादा मैं स्किन केयर में कुछ नहीं करती हूँ। टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप बाम एंड दैट्स इट। अब इसके अलावा जो कुछ भी होगा मेकअप होगा, लाइक मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती हूँ, लेकर आती हूँ अभी, आती हूँ आज लिपस्टिक। चलो पहले फेसेस कनाडा की, वाओ गुड स्ट्रो। तो ये देखो स्किन केयर एंड जो भी ना मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप करती हूँ, सारी चीज़ें रेडी हैं, मतलब मैं कर चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे अब थोड़ा सा बिंदी लगाना है, थोड़ा सा नहीं मतलब कि एक बिंदी लगानी है यार। तो सारी बिंदियाँ मेरी इस डब्बे में होती हैं एंड ये बिंदी है शिल्पा की, जो कि काफ़ी अच्छी होती है यार। और फाइनली मैं अच्छे से शूट कर पाऊंगी। अभी ना थोड़ा सा कैमरा मेरे हिसाब से नहीं था, मुझे लग रहा था कि वो टिल्ट था, टेढ़ा था। और आज की नई इस वीडियो में मैं सारे रिक्वेस्टेड पार्ट लेकर के आई हूँ, हेयर टाई विद हैंकी एंड हैंकी टकिंग। तो बहुत सारे रिक्वेस्टेड पार्ट्स हैं जो पेंडिंग थे, मैं पूरा करने की कोशिश कर रही थी बट कुछ ना कुछ करके रह जा रहा था। तो अभी मैं जैसे कि धीरे धीरे पहले की तरह वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, ट्रैक पे आ रही हूँ, तो अब धीरे धीरे करके आप लोगों की सारी रिक्वेस्ट भी पूरी होंगी। धीरे धीरे कितना कुछ होगा, दिवाली तक ऑलमोस्ट सारी रिक्वेस्ट मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। मैं सोच रही थी एक मेकअप वीडियो शूट करने का करवा चौथ के लिए, होप सो कि मैं आज कर लूँ, मैं कोशिश करूँगी आज करने का। एक्चुअली नॉर्मल वीडियोस तो शूट हो जाती हैं बैठ करके, बट करवा चौथ की या फिर कोई भी अगर हम मेकअप वीडियो कर रहे हैं थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल फॉर्म में है, तो उसके लिए हमें अच्छे से गेटअप मतलब गेटअप रेडी करना, ज्वेलरीज वगैरह सारा कुछ करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। इसी वजह से मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और आज का तो मौसम बहुत, मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा था। अरे फ्रिज बंद ही नहीं है। मॉर्निंग में ना बहुत ठंडा सा मौसम हो गया था, अभी तो ठीक है, मतलब ठीक क्या ठंडा है, नहाने में बहुत ठंड लग रही थी। अभी हम थोड़ी देर के बाद ना धूप लेने के लिए भी जाएंगे। आउच,
अब वहाँ के बाद मैं यहाँ आ गई आप लोगों से बैठ करके बातें करने के लिए। थोड़ा सा होता है ना कि जब शूट कर रहे हैं तो जितना हो सके मैं बातें करूँ। और पता है आजकल क्या हम लोग करते हैं, आजकल हम लोग ना लूडो खेलते हैं फ्री टाइम में। वेट, यस, तो आजकल ना हम लोग फ्री टाइम में लूडो खेल लेते हैं। एंड अब इतने दिनों के बाद मेरे ख्याल से 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा है चिट चैट वीडियो आज मेरी ये जाएगी। ऐसा हो ही नहीं पा रहा था कि मैं शूट कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी मतलब ख़राब थी, बट काफ़ी अच्छे से मैं ठीक हो गई हूँ अभी भी। बट थोड़ा सा ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, मेरा बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था, वो भी इतना गेटअप में तो एकदम नहीं। ब्लाउज़ की मैं बात बताऊँ तो एक ये मेरा ब्लाउज़ है जो कि स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ है, मतलब जो होते हैं ना, मैं कौन सा कपड़ा बताऊँ, स्ट्रेचेबल वाले कपड़े होते हैं, तो बहुत ही ईजिली मुझे आ जाता है ना। अभी एक मैंने और भी मंगवाया बट वो मुझे ऐसा वाला नहीं मिला है, बट कोई बात नहीं, जैसा वाला भी मिला है अच्छा मिला है। और हाँ, मैंने कुछ बहुत ही अच्छे से ना अमेजोन हॉल शेयर किए हैं विंटर को ध्यान में रखते हुए एंड अपकमिंग फेस्टिवल्स को भी ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखिएगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन, या फिर मेरी आप प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं। एंड पूजा कर ली हूँ, नहा करके मैं पूजा कर ली हूँ, अभी लंच रेडी करना है, हालांकि मैं नहीं करूँगी वो, अभी इनका काम ख़त्म हो जाएगा ना तो यही कर लेंगे, दाल चावल ही बनना है, दाल चावल दाल में लौकी डाल करके बनेगा। एंड अब मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ देर में शेयर करूँगी हैंकी टाई इन हेयर, वो भी पूरा हैंकी का पैक लेकर के बैठूँगी, नई हैंकी से मैं करने वाली हूँ। और ये देखो मैंने अपने सारे नेल्स काट दिए हैं, कटे नेल्स में नेल पेंट लगाई हैं। और ये चोट देखो मेरी, काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही है अभी भी, बट पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है, मतलब एटलीस्ट अब मेरा फिंगर वाला वो फ़ोन तो काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट 2 दिन तक तो काम नहीं किया था, एकदम से ये वह करने लायक नहीं थे फिंगर, तो 2 दिन तक तो काम ही नहीं किया था। मैं पैटर्न लॉक से काम चला रही थी, अगर मैं पैटर्न लॉक ना डाली होती फिर तो बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि ये काम नहीं कर रही थी फिंगर, अभी ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे हम कुछ देर में। और अब मुझे ऑर्डर क्या मिला है, अब मुझे ऑर्डर मिला है एप्पल खाने का, जो कि अभी फ्रिज से निकला हुआ है, तो बहुत ठंडा है, कुछ देर में खाऊंगी। क्या होता है ना कि मेरे साथ कभी कभी तो मुझे वेट, क्या होता है ना कि कभी कभी तो मुझे छीला हुआ एप्पल अच्छा लगता है, बट ज़्यादातर टाइम में मुझे छील करके एप्पल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छे से पहले वेजी वॉश से वॉश करूँगी, थोड़ा सा बॉयल्ड पानी में डाल देती हूँ, बॉयल्ड इन द सेंस की एकदम गर्म पानी रहता है उसमें डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो डेड हो जाए। एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट ऐसे मतलब हाथ में ले करके खाती हूँ, जो मुझे कट कट के पीसेस में मिलता है खाने को मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रूम नहा करके देखो, आज टॉवल पड़ी हुई है, पहले टॉवल फैला दूँ यार दोनों। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ना हैंकी टाई इन हेयर, और इसीलिए मैंने आज मिडिल पार्टीशन किया है बालों का, सिंपली मैं डायरेक्ट इसी से ही करने वाली हूँ। एंड कैसे करूँगी दिखाती हूँ, इस तरीके से कर लूँगी एंड देन अगेन एक फोल्ड एंड अगेन एक फोल्ड, बस। Thank you.
एंड नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ टक अपनी वेस्ट पे यानी कि कमर पे, साड़ी में टक करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट। अरे पता है इसको ना मंगाया था क्या देख करके, निकली थी क्या ये, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी सी ये रुमाल हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट मैं आज इस वीडियो में पूरी करने की कोशिश करूंगी। इसको ना मैंने जिगजैग देख करके मंगाया था कि वो जिगजैग, बट ये जिगजैग नहीं निकली। यहाँ पे टक करने वाली हूँ कीरिंग जो कि मेरा फेवरेट एंड क्यूट वाला है। ये देखो ये ना कि यार मुझे वीडियोस में वापस से आना है, बहुत टाइम के बाद मैं ऐसी वीडियो लेकर के आऊंगी। चलो मिलूंगी आपसे अपनी अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।